भाई उठो 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 भाई उठो, केंद्र खोलने का टाइम हो गया भाई। ओ चकना ले जा भाई जा, केंद्र खोलने का टाइम हो गया। अबे शर्मा मत, जा भाई निकल ले। देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो रात को लिटिल लिटिल थोड़ी सी हो गई थी। देखिए माई सेल्फ डॉक्टर पीके टल्ली, नशा मुक्ति केंद्र में चलाता हूँ। दुनिया का ऐसा कोई भी शराबी नहीं है जिसकी मैं शराब 1 घंटे में छोड़ा नहीं सकता। पूछो कैसे है? अरे भैया क्योंकि 1 घंटे में बोतल जो खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। चलो आज तो मैं तुम्हारी शराब छुड़ा के ही रहूंगी। एक्सक्यूज मी, आप पीके टल्ली हैं? नहीं, मैं डॉक्टर पीके टल्ली हूँ। डॉक्टर साहब इनकी शराब छुड़वा दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे घर में अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ इनकी वजह से। सुनो, जब तुम पास आने दोगी तब बच्चा होगा ना। डॉक्टर साहब पूरे मोहल्ले की औरतों को बच्चा है। तो वो सब तुम्हें पास में आने देती हैं? नहीं, वो अपने पतियों को पास आने देती हैं, वो भी पीते हैं। अच्छा। पार्टी तो बनती है। नहीं बनती पार्टी डॉक्टर साहब, आपको पता है? हाँ? जब ये शराब पीते हैं तो इनके मुंह से इतनी बाज आती है, इतनी बाज आती है, ऐसा लगता है जैसे 100 चूहे मुंह में रखे हुए हैं। हाँ? प्लीज डॉक्टर साहब इनके चूहे बाहर निकालिए। हाँ निकालते निकालते। भैया इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो। हाँ हाँ हाँ, इनका इलाज करते हैं। हाँ आप इधर आओ, पास आओ। हाँ थोड़ी गहरी सांस लो, और गहरी सांस लो। अरे डॉक्टर साहब इलाज तो उनका कर रहे हैं ना, तो मैं क्यों सांस लूं? अरे भाई अब तुम यहाँ पर आई हो तो कुछ तो ऐसा करो कि डॉक्टर को अच्छा फील हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी नॉर्मल सांस और शराबी सांस दोनों को अलग डिफरेंट तरीके से मुझे चेक करना होगा। 1 मिनट। हाँ? एक मेरे सामने मेरी बीवी को सीधा सीधा लाइन मार रहे हो, शर्म नहीं आती? पार्टी तो बनती है। अरे मुझे क्यों आएगी शर्म? तेरे को शर्म आ रही है तो उधर मुंह कर ले। हाँ तुम गहरी सांस लो, मेरे को दो। देखिए अब मैं कोई सांस नहीं दूंगी। आपके पास मशीन है तो बताइए। मशीन नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तरीका है। मैं एक गाना बजाता हूँ, थोड़ी सी जो पीली है उस गाने पे तुम डांस करोगी ना, फिर उसका मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा कैसा होता है। पार्टी तो बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है भाई, गाना भी बनता है, गाना बजाओ। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो, कोई हमको रोको कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। हम तो गिर पड़े। ए बुझेली मोमबत्ती, ऐसा ज्यादा कैंडी विंडी नहीं करना वरना अपन क्रश कर देता है। पर तुम पे ये भी इल्जाम है, तुम बस को बीच सड़क पे रोक देते हो। भाई अबे साउथ की फिल्म के हंचमैन, बस को किनारे जगह नहीं मिलेंगी तो बीच में ही रोकेंगा ना। लेकिन बीच में रोकने की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। तो अगर तेरे को ट्रैफिक का लोचा खत्म करने का है तो सबसे पहले हॉलीडे बंद करो। लेकिन हाथ देने पे भी तुम लोग बस नहीं रोकते हो। अरे लोगों का क्या है रे, लोग तो कहीं भी हाथ देते हैं। अभी परसों एक जन ने गन्ने के मशीन में हाथ दे दिया, तो अभी उधर भी रोकेंगा क्या? तो तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है ना ब्रो, अपन पहले कॉल सेंटर में जॉब करता था। ऐसा सारी रात ऐसे अक्खी रात ऐसे ना रिसीवर उठा उठा के अपना ऐसा हाथ ऐसा ही छो गया। तो इससे पहले क्या तुम कॉल सेंटर में जॉब करते थे? अरे नहीं रे चिकनी, कॉल सेंटर में जॉब करने से पहले अपन साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार था। क्या बकवास कर रहा है? साउथ का सुपरस्टार होता तो फिर अभी कंडक्टर होता। जब एक कंडक्टर साउथ का सुपरस्टार हो सकता है तो सुपरस्टार कंडक्टर क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम्हारी ये फालतू की बातें खत्म हो गई हो तो हम केस को आगे बढ़ाएं। ए इतना थूकता कहीं को है रे मजनू। बोल, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने डीजल में कोल्हापुरी चप्पल भिगो के तुम्हारे होठों पे मारी हो? ए जहाँ तक अपने को याद है अब तक तो नहीं हुए लाए। चलो चप्पल चप्पल खेल। ए नहीं रे नहीं रे, ए नहीं रे, सॉरी। तेरे को क्या लगा मैं डर गया क्या? जा नहीं खड़ा होता। प्लीज हो जाइए ना रे, तू जान ले रे। ए मैडम ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंडक्टर को किसी और ने बस में किए लाए। लेकिन तुम पे यह भी इल्जाम है कि तुम बस बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देते हो। आज मैं पूछना चाहता हूं वाई? ए लंगड़ी टांग के एक्स्ट्रा प्लेयर, अबे बिना इंडिकेटर दिए बस मोड़ना तो टैलेंट हुआ ना रे। लेकिन तुम तो सिग्नल पे भी नहीं रुकते, उसका क्या? अबे सुन, ऐसा ट्रैफिक पे रुकने पे ना ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है। अपन कई बार रुक के देखा है, लोग बाग खाली घूरते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो अबे एड़े, ऐसी जगह पे रुकने का क्या फायदा जिधर लोग बातचीत ना करे। अपन पांडू के घर रुकता है ना, पूरी रात बात करता है। वे हिल क्यों रहा है? ए मोबाइल बज रहा है। अरे पांडू कैसा है रे? रब चांडूस, क्या बात है। ए चलते फिरते कौए, ए सुन बे, अपने बस का टाइम हो गया है तो अपन निकल रहे है। ए मैडम, अगली डेट अपन देगा कि कभी मिलने का है, समझी क्या? ए तू हमें डेट देगा? अबे एड़े, जब दो जज लेवल के लोग बात कर रहे थे तो तू बीच में चमका रहा, फिर कहीं को फुदक रहा है। मैंने तेरा सर फोड़ देना है। ओए मार इसकी छाती पे भाला। अबे ए मारने का नहीं रे, ए मारने का नहीं है, सॉरी रे, सॉरी रे। कबूतरी बोले कबूतर से, मुझे छेड़ो न छत के ऊपर से। क्या बात है, वेलकम टू माय शिप, होप यू आर एंजॉयिंग। पानी में हाथ नहीं, पानी में हाथ नहीं, क्योंकि उससे पानी गंदा हो जाएगा। इस तरह का सवाल पर मत करो बे। कौन जिला पड़ी? गोरखपुर बे। जौनपुर। क्या हाल बा? कीप डिसेंट, बिजनेस अपनी जगह, काम अपनी जगह। ओके, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? या या या। आप कहें तो मैं आपको गाना भी सुना सकता हूँ। या बट कम ऑन एवरीबॉडी एक साथ। ओके या, आई विल स्टार्ट फर्स्ट या, क्योंकि नाम मेरा है। या या, ये रहा मेरा गिटार, सॉरी वायलिन। तू लगा बेलूजा बन रही है। अपने अपने भगवान को याद करो, हे ईश्वर में क्षमा करो। लगता है मौसम खराब हो गया है, आगे के रास्ते में पानी भर जाएगा। रास्ते में पानी नहीं भरेगा, पानी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाएगा अगर नाव पलट गया तो। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। ये सोचो कि इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ करनी है। भाई जैसे हालात है, मुझे लगता है ऑक्टोपस की पीठ पे उतारनी पड़ेगी। सुनो साथियों, 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 किसी को तैरना आता है क्या? वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। अगर मुझे तैरना आता तो मैं ट्रेन का ड्राइवर नहीं होता, मैं तो ओलंपिक के लिए जाता। जरूरी नहीं कि जिसको तैरना आता है वो ओलंपिक में ही होता। I'm really sorry. Everybody, मुझे तैरना आता है, लेकिन मैं पानी से डरता हूँ। क्या कैप्टन तुम्हें तैरना आता है? बिल्कुल नहीं। क्या शिप का कैप्टन हो के तुम्हें तैरना नहीं आता? अरे मैं शिप का कैप्टन हूँ, स्विमिंग टीम का नहीं। एड़े देखो, मुझे जाना बहुत जरूरी है, बस नहीं चलाऊंगा तो ऑटो वाले के फायदे हो जाएंगे, वो पैसे कमाने लगेंगे। तो तंबू में बम्बू लगाए बे, तंबू में बम्बू लगाए बे। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी इतनी छोटी सी वाइफ को भी प्यार नहीं करते, जिसका इतने से प्यार में काम चल जाएगा। यार अपनी बीवी से कोई प्यार करता है? आप करते हैं बताओ? करते हैं, लेकिन वाइफ के साथ प्यार का झूठा नाटक भी तो किया जा सकता है, आप तो वो भी नहीं करते। प्ले नाटक तो मैं जोरदार करता हूँ। नाटक नाटक के चक्कर में तो 6 बच्चे हो गए। बाबा जी आपको पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। देखो घर वालों की ज्यादा नहीं सुनते, घर वालों ने तो देवदास को भी कहा था घर छोड़ दो, शराब छोड़ दो, पारो छोड़ दो, देखा नहीं उसका क्या हाल हुआ। बाबा मेरी बीबी मुझ पे बहुत शक करती है। भाई थैंक यू बोला करो, ऐसी शक्ल पे भी शक करती है। पिताजी आप बताइए, आप चाहते क्या हैं? बेटा चाहता तो मैं एक और पोता हूँ जो तुमसे हो नहीं रहा है। तो पिताजी आप कर लो। बेटा फसल तो हम उगा ले, पर खेत कहाँ से लाए?